नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल रेयर फैक्ट्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे पांडा के बारे में। जी हां, पांडा मूलतः दक्षिण मध्य चीन के इलाकों में रहते हैं। इनकी आंख, कान और शरीर के काले धब्बों की वजह से इन्हें आसानी से भालू की श्रेणी से अलग किया जा सकता है। पांडा के काले फर के नीचे काली त्वचा और सफ़ेद फर के नीचे गुलाबी त्वचा होती है। तो चलिए आज हम इनसे ही जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पांडा शब्द नेपाली भाषा के पोन्या से लिया गया है। इसका मतलब होता है बांस खाने वाला जानवर। पांडा मुख्यतः चीन की सिचुआन पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये 27 अन्य देशों में भी पाए जाते हैं। बड़े पांडा की लंबाई 4 से 6 फुट की होती है। इनकी पूंछ 13 सेंटीमीटर की होती है। पांडा पेड़ पर चढ़कर वहां अपने रहने के लिए घर भी बनाते हैं। विशाल पांडा के शरीर के ऊपर फर की चादर होती है जो उसे ठंड से बचाती है। विशाल पांडा दिन में 40 बार मल त्याग करते हैं। इससे उनकी पाचन क्रिया सुचारू रूप से बनी रहती है। पश्चिम में पहली बार 11 मार्च 1869 में इसके बारे में पता चला जब फ्रेंच मिशनरी आर्म डेविड को किसी शिकारी से इसके स्किन मिले थे। इसके खत्म होने के डर से चीन में इसे संरक्षित रखा गया है। पांडा का जीवन काल 28 से 35 वर्ष तक का होता है। दोस्तों पांडा 4 से 8 वर्ष में ब्रीडिंग करते हैं। पांडा के मल से बायोफ्यूल बनाई जाती है। पांडा का 99% आहार बांस है। इसे कैर्नियोवर्स भी कहा जाता है। जिस बांस के मोटे डंठल को हम कुल्हाड़ी की मदद से काट पाते हैं उसे पांडा बहुत आसानी से एक दिन में 11 से 14 किलो तक खा जाता है। यह कभी कभी चिड़िया को भी खा जाता है। पांडा के गले में बांस की खरोचों से बचने के लिए सुरक्षात्मक परत भी होती है। देखने में भले ही मासूम लगते हों लेकिन इनके जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि एल्यूमिनियम की प्लेट भी ये चबा सकते हैं। पांडा के बच्चे के आंखों का धब्बा शुरुआत में गोल होता है लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है सर्किल आंसू की बूंद की आकृति में बदल जाता है। जॉइंट पांडा 1990 से विलुप्त प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है। पांडा के विलुप्त होने का मुख्य कारण उनके आवासों को नुकसान पहुंचाना और शिकार है। पांडा को चीन के लोग शांति का प्रतीक मानते हैं। उदाहरण के तौर पर लगभग 100 वर्ष पहले वारिंग नाम की एक जनजाति के लोग युद्ध समाप्ति के लिए पांडा के चित्र वाला झंडा लहराते थे। पूरे संसार में लगभग 1000 पांडा ही शेष बचे हैं लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि 2025 तक इनकी आबादी बढ़कर 5000 तक हो जाएगी क्योंकि इनको विलुप्त श्रेणी में रखा गया है। रेड पांडा और जायंट पांडा दो का एक जैसा आवास और भोजन हो और दोनों की विलुप्ति की कगार पर है फिर भी वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि रेड पांडा रैकून परिवार का जबकि जायंट पांडा भालू परिवार का सदस्य है। एक प्राचीन सभ्यता और मान्यता के अनुसार एक समय सारे पांडा सफेद भालू की तरह थे। एक बार एक लड़की ने तेंदुए के हमले से एक पांडा के बच्चे को बचाया। इसमें पांडा का बच्चा तो बच गया लेकिन तेंदुए ने लड़की को मार दिया। सारे पांडा काली राख की आहत में पट्टियां पहनकर अंतिम संस्कार में गए। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें साफ की और एक दूसरे के गले मिले तो काली राख एक दूसरे पर बिखर गई और उनका वर्तमान स्वरूप बना। दोस्तों पांडा सीधे खड़े रह सकते हैं लेकिन उनके छोटे पिछले पैर इतने मजबूत नहीं होते जो उनके शरीर को संभाल सके। पांडा की हड्डियां उनके आकार के दूसरे पशुओं की हड्डियों से दुगनी भारी होती है। पांडा ज़्यादा तेजी से नहीं दौड़ सकते हैं जबकि भालू 35 मील प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। एक मादा शावक को वयस्क होने में 5 वर्ष जबकि नर शावक को वयस्क होने में 7 वर्ष तक का समय लग जाता है। पूरे विश्व में लगभग 240 पांडा को कैद में रखा गया है जो सभी ब्रीडिंग प्रोग्राम का पार्ट है। दोस्तों अवैध व्यापार में एक पांडा के फरों की कीमत $60,000 से लेकर $100,000 तक रहती है। आधे से ज़्यादा नए जन्म पांडा बीमारी की वजह से या गलती से उनकी माँ द्वारा ही कुचल दिए जाने के कारण मर जाते हैं। एक वयस्क पांडा का वजन 90 किलो से 135 किलो के बीच में होता है। पांडा इस धरती पर लगभग 2 या 3 मिलियन वर्षों से रह रहे हैं। एक जायंट पांडा के 42 दांत होते हैं। पांडा अपने दिन के 14 से 16 घंटे बांस खाने में बिता देते हैं। चीन में लगभग 300 बांस की प्रजातियां मौजूद है। यहाँ 25 अलग अलग प्रकार के पहाड़ है जहाँ पांडा निवास करते हैं। पांडा मुख्यतः अम्ब्रेला एरो गोल्डन बाम्बू खाना पसंद करते हैं। औसतन एक पांडा एक दिन में 25 से 30 किलो बाम्बू खा जाता है। जंगलों में एक समय में एक से ज्यादा पांडा को एक साथ देखना बहुत ही दुर्लभ है। एक पांडा को भी जू में रखना काफी महंगा पड़ता है। एक पांडा को रखना एक हाथी को रखने से 5 गुना ज्यादा महंगा होता है। 1961 में WWF के निर्माण में अब तक जायंट पांडा को इसका प्रतीक चिन्ह बनाया गया है। तो
दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।